अबे नाव चला रहा हूँ नाव। अच्छा आपको नाव का एहसास हो रहा है? ये हालत खराब हो गई, गाड़ी पंचर हो जाती है और तब हम लोग कमर उमर सब भाई जब से आँख खोले तब से तो यही सड़क देख रहे हैं। तो बारिश के पहले से ही खराब है भाई। अगर हम लोग सही सलामत बच के निकल गए तो ये हमारा बेनिफिट है, अदरवाइज एक्सीडेंट होता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, गाड़ी खराब होती है। अभी ये मुमकिन नहीं है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। कैसा लगता है आपको इस रोड पर गुजर? बहुत खराब लगता है, एकदम ही घटिया लगता है। अरे नेता हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी क्या बोलने का आगे लोग। अबे नाव चला रहा हूँ नाव। अच्छा आपको नाव का एहसास हो रहा है? अच्छा यहाँ से आपका डेली आना जाना होता है या कैसा? रोज का रोज इसी तरह? कब से ये सड़क है? अरे अब क्या मैं बोलूँ, अब जो है जो भी सब बढ़िया है जाने तो। अरे भाई हालत खराब हो गई, गाड़ी पंचर हो जाती है और सब हम लोग कमर उमर सब एकदम। ये रोड पर आपका हमेशा आना जाना रहता है या फिर कभी कभार? भाई हमारा ये रोड पर हमेशा आना जाना रहता है। ये कब से इस तरह की सड़क है यहाँ पर? भाई जब से आँख खोले तब से तो यही सड़क देख रहे हैं। तो बारिश के पहले से ही खराब है भाई। अच्छा ये मतलब इस तरह की जो खराब अभी सड़क है अभी ये हमेशा ऐसे ही रहती है? नहीं अभी तो काफी दिनों से ये रोड बना नहीं है, बहुत पहले ये रोड। अच्छा बारिश हो जाती है तो कैसे पता चलता है कहाँ पर खड्डा कम है कहाँ पर ज्यादा? वो नहीं पता चलता, वो हमको अपने हिसाब से चलना रहता। अगर हम लोग सही सलामत बच के निकल गए तो ये हमारा बेनिफिट है, अदरवाइज एक्सीडेंट होता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, गाड़ी खराब होती है। अभी ये देखो मैंने गाड़ी लिया है 2 महीना पहले और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के सारे रास्ते से आप वाकिफ है। यानी बारिश होने पर आपको ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहाँ कम सड़क है कहाँ? ये मुमकिन नहीं है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है यहाँ पे। तो और हम लोग आदि हो चुके हैं हकीकत में भिवंडी की के जो यहाँ पे नेता है या कारपोरेटर है, अब आदि हो गए, यूज टू हो गए हैं और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या करेंगे उसके अलावा। यानी ये कारण बहुत बड़ा है जिससे एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं भाई, यही कारण है, ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। अब कोई हमारा ना रहनुमा रहा ना हम जो है हमारा कोई ज़िम्मेदार है, बस ये है कि हमको अपनी ज़िंदगी की और खुद हिफाजत करना है और कर रहे हैं भाई जब तक। देखो ये रोड पर आपको गुजर कर कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आती है, नाव चलाने का फीलिंग होता है कि नहीं? हाँ। आप यहाँ पर कब से चल रहे हैं? जब से पैदा जब से ये रोड से चल रहे हैं। ये रोड ऐसे ही हमेशा से या फिर कब से है? 2-3 मरतबा बने उसके बाद फिर ऐसे से। अच्छा बारिश होती है तो कैसे पता चलता है रोड कहाँ पर कम गहरा है कहाँ ज़्यादा है? कुछ पता ही नहीं चलता। तो एक्सीडेंट होने के खतरा होते हैं? बहुत है, बहुत ज़्यादा। ये रोड से कब से आ रहे हैं? जा रहे 2-3 महीने से जा रहे हैं। कैसा लगता है आपको इस रोड पर गुजर? बहुत खराब लगता है, एकदम ही घटिया लगता है। इतनी बेहतरीन रोड है आपको क्या इसमें दिक्कत है? अरे यहाँ कितने लोग गिरते हैं सुबह से शाम तक का क्या मालूम कितने लोग गिरते हैं इधर। अच्छा बारिश में कैसा लगता है आपको? बारिश में पूरा डूब जाता है पानी में। और एक्सीडेंट होने के कुछ चांसेस कैसे रहते हैं? अरे कितने लोगों तो गिरे हुए हाथ पैर टूटता है इसमें लोगों के। आप क्या अपने नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? अरे नेता हमारे बहुत अच्छे हैं, अभी क्या बोलने का आगे लोग। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।